नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। फिनटेक कंपनी भारत पे और अश्नीर ग्रोवर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में कंपनी के बोर्ड ने ग्रोवर को सभी पदों से हटाने का निर्णय लिया है। बोर्ड की बैठक के बाद कंपनी ने बुधवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बताया है कि फाइनेंशियल मिसडीड को लेकर के वो ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाली है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूपी के एक जनसभा में बोलते हुए कहा कि हम हर हाल में यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को निकालेंगे। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन गंगा चल रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा भारतीयों को वापस देश लाया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन गंगा को गति देने के लिए हमने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी वहां भेजा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। अब तक इस युद्ध में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक और नागरिक की जान चली गई है, जबकि यूक्रेन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि इस युद्ध में यूक्रेन ने अब तक रूस के करीब 6000 सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के खेरसोन पर कब्जा करने का दावा भी किया है। दोनों देश के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रोज एक दूसरे पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। वहीं दुनिया के कई देश सीधे रूस के विरोध में खड़े हो गए हैं। इस बीच मीडिया खबरों के अनुसार अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने मंगलवार से रूस में सभी उत्पाद बिक्री पर रोक लगा दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इस रेस्क्यू मिशन के तहत अब तक करीब 3000 छात्रों को वापस लाया गया है। यूक्रेन में संकट बढ़ने के बाद भारत सरकार ने अपना रेस्क्यू मिशन तेज कर दिया। भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश के लिए रवाना हुए हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूक्रेन से आए छात्रों का स्वागत किया। ईरानी ने विमान के अंदर जाकर छात्रों से गुजराती भाषा में बात की। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर लंबे समय बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत की कूटनीतिक प्रयास का असर दिखने लगा है। युद्ध के बीच फंसे यूक्रेन के खिरकीव में फंसे सभी भारतीयों को बाहर निकालने के लिए रूस तैयार हो गया है। इस बात की जानकारी खुद रूस के राजदूत ने दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध के संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने मंगलवार रात अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में कहा कि अमेरिका अब रूस के बड़े उद्योगपतियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगा ताकि रूस के अरबपतियों के लग्जरी अपार्टमेंट, प्राइवेट जेट, बड़ी नौकाएं आदि की पहचान कर उसे जब्त किया जा सके। मौसम विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तरों से एक ट्रफ से गुजर रहा है, जिसके प्रभाव से ही 2 और 3 मार्च को जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। पथ निर्माण विभाग अगले 25 साल के विकास को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के लिए व्यापक निर्माण योजनाएं तैयार कर रहा है। साथ ही आरओबी, अंडरपास, फ्लाईओवर, शॉर्टकट रोड, बाईपास आदि बनाए जाएंगे। इन निर्माण योजनाओं से जुड़ी संभावनाएं तलाशने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए विभाग ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के खाते में बीते एक साल में 1,31,45,14,114 रुपए आए हैं, जबकि माडा कर्मियों को वेतन के लाले हैं। आरटीआई में यह खुलासा हुआ है। साल 2020-21 में विभाग के कोष में 1,31,45,14,114 रुपए आने की बात कही गई है। बाजार फीस वेतन मद में 48,42,43,666 रुपए, योजना मद में 48,42,43,666 रुपए और जल दर समेत अन्य विभाग में कोष में 34,60,26,782 रुपए आए हैं। राज्य में 46,927 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। शिक्षा विभाग ने स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति के लिए पद विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है। माना जा रहा है कि इस महीने आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास के मुद्दे पर वेबिनार को संबोधित करते देखे गए। बुधवार को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने मेक इन अमेरिका की बात पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए भी जरूरत है कि वो नए क्रम में आत्मनिर्भर बने। इस दौरान उन्होंने आम आदमी को मजबूत बनाने के लिए तकनीक को अहम जरिया बताया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले के विरोध में पश्चिमी देश को कुछ न कर पाने का मलाल हो रहा है, तभी तो पश्चिमी देश अपनी भड़ास निकाल रहा है। ऐसी ही भड़ास ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने निकाली है। बोरिस जॉनसन का कहना है कि रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर निकाल देना चाहिए और हमारे पास ये एक विकल्प है। एक तरह से बोरिस जॉनसन ने रूस से वीटो पावर छीनने की वकालत की है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में
हमला कर रहे हैं। इस हमले में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जबकि मंगलवार को एक भारतीय छात्र भी यूक्रेन में रूस की तरफ से किए जा रहे हमले का शिकार हो गया। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान खिड़कीव में भारतीय नागरिक के जान जाने पर शोक व्यक्त किया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का बुधवार को तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही भाकपा माले और कांग्रेस के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बुधवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेने विधानसभा पहुंचे हुए थे। अभी रूस की तरफ से यूक्रेन पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। इस बीच दुनिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना हो रही है, लेकिन अब लोग उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसी को लेकर यह सामने आया है कि पुतिन निजी जीवन में बेहद रोमांटिक बताए जाते हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की और उनसे पोलैंड द्वारा भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने में की जा रही मदद को लेकर धन्यवाद दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड पहुंचने वाले लोगों को वीजा में काफी छूट दी गई है और यहां आए लोगों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13.9% और 2020-21 में 4.3% की कमी आई है। इसमें 2019-20 में कमी आर्थिक मंदी और 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेदारी में कमी आने के कारण हुई है। ये जानकारी बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार द्वारा सदन में पेश झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कही गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 5 दिनों में आलिया भट्ट की यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करने में लगी हुई है। बीते दिन महाशिवरात्रि की छुट्टी होने का भी गंगूबाई काठियावाड़ी को फायदा हुआ। ऐसे में फिल्म के 5वें दिन के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें फिल्म तेजी से 100 करोड़ के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में ऐसे कीड़ों की तादाद बढ़ रही है जिससे इंसानों को खुजली होने लगेगी। खुजली वाले कीड़ों का ब्राउन टेल मोथ कहा जाता है। इनकी संख्या जंगली इलाकों में तेजी से बढ़ रही है। खुजली वाले कीड़ों से इंसानों को अधिक खतरा है। इसमें खतरनाक वाले रासायनिक तत्व होते हैं जिससे खुजली के साथ ही सांस से जुड़ी समस्या भी होने लगती है, जिसके बाद ही अब इनकी बढ़ती संख्या को देखकर चिंता जताई जा रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है उसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय कर दी है। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की आंच खाद्य तेलों पर भी आई है। हफ्ते भर के अंदर ही खाद्य तेल की कीमत में 20 रुपए लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। 140 से 150 रुपए लीटर में बिक रहे खाद्य तेल 160 से 170 रुपए लीटर पहुंच गया है। साथ ही 180 रुपए लीटर में बिकने वाला खाद्य तेल इन दिनों 200 रुपए लीटर पार हो गया है। दुनिया के मशहूर उद्योगपति टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति के एक बयान पर नाराजगी जताई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए बयान जारी किया गया है कि फोर्ड अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए 11 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। उससे देशभर में 11,000 नौकरियां पैदा होंगी। पिछले एक साल में कई बार यशराज फिल्म्स के एक्शन एंटरटेनर पठान की शूटिंग करते हुए देखे जाने के बाद शाहरुख खान ने आखिरकार फिल्म का टीजर शेयर कर दिया है। साथ ही इस फिल्म की रिलीज डेट भी बताई है। शाहरुख खान ने टीजर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, मुझे पता है कि देर हो चुकी है, लेकिन तारीख याद रखें, पठान का समय शुरू होता है 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने चिंता जताई है जो भी छात्र वहां फंसे हैं उनको लेकर के। इटली की सरकार रूस में गैस आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए तरीकों का अध्ययन कर रही है। प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने संसद को जानकारी दी है। ड्रैगी ने बढ़ते सुरक्षा जोखिम और रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष के उत्पन्न ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बारे में चिंतित इटालियंस को आश्वस्त करने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार संभावित नतीजों का मुकाबला करने के लिए बिना रुके काम कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस बीच वार्नर ब्रदर्स ने रूस में द बैटमैन की रिलीज को वहां के सिनेमाघरों में खुलने से कुछ ही दिन पहले रोकने का फैसला किया है। ये व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद देश में वितरण योजनाओं को रोकने के हॉलीवुड के फैसले के बाद आया है। जल्द ही वॉल्ट डिज्नी कंपनी और सोनी पिक्चर्स ने अपना अनुसरण किया है और कहा है कि वो रूस में अपनी फिल्मों की रिलीज को रोक देंगे। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में बहुत जल्द क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्पेशल टीम एसआईटी को कोई संदिग्ध सबूत नहीं मिला है। एसआईटी ने जानकारी दी है कि आर्यन खान किसी ड्रग्स साजिश या इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थे।
भारत में एक दिन में कोविड 19 के 7,554 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,38,599 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 85,680 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 223 और लोगों की संक्रमण से जान जाने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,14,246 पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को बताया है कि यूक्रेन में फंसे करीब 20,000 भारतीयों में से 60% ने यूक्रेन की सीमा पार कर ली है। बाकी लोगों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया है कि ऑपरेशन गंगा के तहत कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अलावा भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नवीन कुमार यादव, खान जीएस, अभय कुमार, अमन कुमार सिंह, श्यामराज, नुन्नू कुमार, चिंटू राज, मनोज मंडल, बिहारी राजा, रोशन यादव, जितेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार, राजीव सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सोशल मीडिया का कौन सा ऐप आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।